चलिए एक बार लास्ट क्लास वाला पॉइंट रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हमने एक ये सवाल देखा था जहां पे हमें तीन चीजें बनाना था। एक तो बनाना था स्टेटमेंट इक्विवेलेंट यूनिट, एक बनाना था हमें क्या पर यूनिट कॉस्ट, और एक टोटल कॉस्ट का अपोर्समेंट, उसके बाद प्रोसेस अकाउंट। इसके अंदर दो मेथड देखे थे, कौन से? एक था हमारा कौन से वाला, फीफो, और एक वेटेड एवरेज, ठीक है ना। तो हम एक और सवाल आज करते हैं, आराम से करेंगे, कोई बात नहीं। काफी बच्चों को मैंने कहा पहले, थोड़ा सा ये लेंदी लगता है लेकिन आज समझ में आ जाएगा। चलिए सर, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, है ना। चलिए देखिए, क्वेश्चन में क्या कहता है, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 4000 यूनिट, जिसमें से मटेरियल 100% कंप्लीट हो गया, लेबर 60, ओवरहेड 60, रिसीव ड्यूरिंग द मंथ फ्रॉम प्रोसेस पी। अब यहां पे कहता है कि भैया कहीं पीछे से चला आ रहा था, प्रोसेस पी से आया है, जिसमें हमारा 4000 यूनिट था और उसकी कीमत पड़ी 1,71,000। एक्सपेंस इनकर्ड इन क्यू, तो जब क्यू प्रोसेस में थे तो यहां पे हमारा ये भी एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, ये भी एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, और ये भी खर्चा हो गया। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस देता है 3000 यूनिट है हमारा, और जिसका कंप्लीशन मटेरियल का 100% है, ओवरहेड का 50%। अब देखिए यहां पे मजे की बात है, ओवरहेड एंड लेबर का परसेंटेज इकट्ठा दे दिया है, तो आप इकट्ठा भी लिख सकते हो, ऑल्दो क्योंकि यहां अलग अलग है तो हमें अलग अलग करना पड़ेगा। स्क्रैप में कहता है कि हमारे भैया 4000 यूनिट खराब हुए हैं, जिसमें से डिग्री ऑफ कंप्लीशन दे रखा है आपको यहां पे अलग अलग। कहता है नॉर्मल लॉस जो होगा वो होगा सिर्फ 5%। स्पॉइलेज, स्पॉइलेज मतलब स्क्रैप बिकेगा 1.5 रुपए के हिसाब से। कंप्लीट यूनिट ट्रांसफर वेयर हाउस, मतलब पूरा चले जाएगा। आपको इक्विवेलेंट स्टेटमेंट बनाना है, स्टेटमेंट कॉस्ट पर यूनिट बनाना है, टोटल कॉस्ट बनाना है, प्रोसेस क्यू अकाउंट बनाना है। सवाल बिल्कुल वही है, मैं इसको एक बार मिटा भी दूंगा ताकि मैं दोबारा करूंगा, एक मिटा भी दूंगा, फिर जिस बच्चे का डाउट है एकदम शांति मन से आपको देखना है। ये मैं अब आपके सामने ही बना रहा हूँ ये, ठीक है ना। थोड़ा फोकस रखना है, फॉर्मेट आप भी बनाइए, चलिए आप भले ही देख के बनाइए, क्योंकि ना इसमें फॉर्मेट भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना, कई बार तो ऐसा होता है कि फॉर्मेट ही भूल जाते हैं बच्चे, तो फिर फॉर्मेट याद नहीं होता तो फिर लगता है कि कैसे करेंगे। एक तो ये लाइन खींचते हैं हम बना रहे हैं क्या, इक्विवेलेंट यूनिट स्टेटमेंट, ये हो गया। सबसे पहले आता है इनपुट, इनपुट के बाद यहां पर्टिकुलर लिख लेते हैं, पर्टिकुलर के बाद जो आउटपुट आएगा वो लिखेंगे, उसके बाद सर मटेरियल आ गया, उसके अरे उसके बाद सर लेबर आ गया, उसके बाद सर ओवरहेड आ गया, ये तीन हो गया। अब इसके अंदर भी देखा जाए तो परसेंटेज कैटेगरी था ना, अब इसके अंदर भी देखा जाए तो परसेंटेज डिवाइड हो गया था। परसेंटेज का थोड़ा छोटा, चलिए यहां पे इनपुट यहां पर्टिकुलर, यहां पे आउटपुट,
यहां पे क्या आएगा सर बताओ? यहां पे मटेरियल, यहां लेबर, यहां यहां पे आएगा आपका यूनिट। और परसेंटेज, फिर से यूनिट, जिसने ये वाला बता दिया, आज आपसे पूछ पूछ के ही करूंगा समझो, उसका ना आधी टेंशन दूर, बाकी में दिक्कत नहीं है। जो दिक्कत होती है ना आपको, यहां पे ज्यादा दिक्कत होती है, आपसे पूछ पूछ के करूंगा, ठीक है? सवाल आपके सामने है, सभी पढ़ रहे हैं सवाल को। ब्लॉक है क्वेश्चन में, बुक में क्वेश्चन है, हाँ बुक में भी क्वेश्चंस है। अब ऑनर्स प्रोग्राम का कह नहीं सकते, किताब में है क्वेश्चन आपके, देखेंगे तो ठीक है। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं ना, सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। मैं यहां लिख रहा हूं ओपनिंग, ओपनिंग स्टॉक 4,000 था। उसके बाद क्या करते हैं, इनपुट डाल देते हैं हम। उसके बाद इनपुट आप ना लास्ट वाला रजिस्टर ना ओपन करके रखिएगा अपना, जो है ना जो लास्ट क्लास में करा था, कि आप कंपेयर भी करते जाएं, पहले ये था फिर ये था फिर ये था, ठीक है? एक बार ओपन करिए रजिस्टर। चलिए अब इनपुट की बात करें, तो इनपुट का मतलब क्या होता है, या तो पीछे प्रोसेस से आया है वो, या लगाया है हमने। तो कौन बच्चा बचाएगा इसमें, इनपुट में क्या डाले, आपसे ही पूछ पूछ के करूंगा ये सवाल। बताइए कितना आएगा? नहीं, 40% परसेंट नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूं कि इनपुट में कितना आएगा। इनपुट में मैंने, एक होता है हमारा आउटपुट, वो तो बाद में आएगा, पहले इनपुट की बात करिए कि कितना ओपनिंग था, और भी कुछ लगाया नहीं लगाया। तो है हमारा 40,000, बच्चों ने जवाब दिया, अभिषेक ने और आरती ने 40,000। कौन सा 40,000 ले लिया सर आपने? सर ये वाला 40,000 कहता है ना, रिसीव 40,000 यूनिट, जिसकी कीमत है 71,000। समझ पा रहे हो? तो अब कितना लेंगे हम, और इसके अंदर रुपए का कोई काम है क्या? रुपए का कोई काम नहीं है यहां, तो किस पे काम चल रहा है, ये हमारा इक्विवेलेंट यूनिट स्टेटमेंट है, यहां तो सिर्फ और सिर्फ यूनिट का ही काम है। तो सर यहां पे आ जाएगा हमारा 40,000, ठीक है? यानी सर टोटल जो इनपुट डाल दिया ना आपने, 44,000 डाला। यहां तक किसी को दिक्कत है? कि पॉइंट पूछ पूछ के चलूंगा, किसी को दिक्कत है यहां तक? ठीक है ना, ये वाला अगर आपने बना लिया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं, आगे क्या दे रखा है, आगे अब कहता है हमें क्या चाहिए यहां पे। सर ओपनिंग है तो ओपनिंग आउटपुट में भी जाएगा, आउटपुट में कितना जाएगा हमारा, सेम जाएगा सर 4,000। कंप्लीशन की बात करें तो ये वाला जीरो हो जाएगा, क्योंकि 100% पहले हो चुका है। तो ओपनिंग में पता है क्या करते हैं, जितना हो चुका है वो माइनस करके बचा हुआ लिखते हैं। तो 100 हो चुका है, तो अगर 100 में से 100 माइनस करोगे तो जीरो बचेगा। अब इसका कितना होगा सर, इसका 40 हो जाएगा, और 40% का मतलब इसका 40, दैट इज आपका 1600। और दूसरे का कितना होगा, 40 होगा, कितने हो गए 1600। कई बार ना एग्जामिनर देखता है, भैया यहाँ पे भी परसेंटेज सेम आ रहा है और यहाँ पे भी परसेंटेज दोनों का सेम दे रखा है, तो वो क्या करते हैं, लेबर और ओवरहेड का कंबाइन बना देते हैं, लेकिन हम अलग अलग लेके चल रहे हैं, ठीक है? अब बात करते हैं कुछ कैलकुलेशन की, क्लोजिंग का लिख लेते हैं। चलो क्लोजिंग, सर क्लोजिंग कितने यूनिट बताए, 3,000। कंप्लीशन की बात करते हैं, कहता है मटेरियल 100% है, तो 3,000 ही आएगा इसमें। तो क्लोजिंग वाले में क्या होता है भाई साहब, जितना दे रखा है वही परसेंटेज मानना पड़ता है, क्योंकि ये तो अभी बन रहा है,
समझ रहे हो, कंपेयर कर पा रहे हो ना ओपनिंग से इसको। इसके बाद आगे आ जाते हैं सर, आगे क्या दे रखा है हमें क्लोजिंग के बाद। अब बात करते हैं लॉस का, स्क्रैप का। कहता है कि लॉस, अच्छा हाँ ये तो भूल ही गए, 80-80 है ना, तो ये भी 80, ये अच्छा ऊपर है, ऊपर है, ठीक है ठीक, 50-50 50, तो 50 का मतलब और 1500, समझ में आई बात आपको। चलिए स्क्रैप की बात करते हैं। इसने कहा कि स्क्रैप है और यूनिट के टर्म्स में 4000, और सवाल कहता है हमारा 5% ना नॉर्मल लॉस होगा। तो सर नॉर्मल लॉस हमेशा किसका निकालते हैं हम, टोटल इनपुट का। याद होगा पिछले वाले सवाल के अंदर हमने किस पे निकाला था, 11000 पे, 10 और 1 था, तो टोटल करके निकालेंगे हम। तो इस पे अगर हम टोटल करके निकालते हैं 5% तो कितना आता है, तो यानी सर 2200 का नॉर्मल लॉस है। सर कैसे निकाल लिया आपने, तो 44000 का 5%, तो ये 2200 का क्या है हमारा नॉर्मल लॉस। तो सर अगर 4000 में 2200 नॉर्मल लॉस है, तो बाकी का लॉस कहां से आया, एबनॉर्मल लॉस से आया। कितना आया सर बताइए, कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ रहा है। अब आगे चलते हैं सर, आगे अगर हम आते हैं तो अब हम यहां पे नॉर्मल लॉस लिख लेते हैं। पहले सर नॉर्मल लॉस में मैंने क्या कहा था, जीरो डैश डाल दिया। अब एबनॉर्मल लॉस लिख लेते हैं। एबनॉर्मल लॉस आपने बोला 1800 है सर, ओके। मटेरियल कितने परसेंट है एबनॉर्मल लॉस का, 100%, मतलब 1800 ही होगा, और बाकी का 80-80, तो 1800 का 80% निकालो, कितना आएगा 1800 का 80%, 1440 और 1440, समझ में आया, यहां तक समझ में आया। अब एक रह गया कंप्लीट के अगले प्रोसेस में कितना जाने वाला है, तो एक बार हाँ? क्या हुआ, हाँ बिल्कुल लिखेंगे, तभी तो मैच होगा हमारा दोनों, तभी तो मैच हो पाएगा कि क्या हिसाब किताब है। बस लिखेंगे, बाकी यहां नहीं लिखेंगे डैश। अरे यहां लिखा नहीं, अच्छा लिखा नहीं, आप ये पूछ रहे थे, मैंने बोला लिखेंगे और मैंने लिखा ही नहीं, बताओ कितने, 2200, तभी तो टोटल मैच कर पाएंगे। चलिए अब कंप्लीट कैसे निकालेंगे, भाई साहब शुरू में थे 4000 यूनिट, इसके बाद हमने और लगा दिया 40000 यूनिट, हमारा 44000 हो जाना चाहिए, जिसमें खराब हो गए हमारे कितने, 4000 यूनिट। तो मतलब भैया 40000 तो अगले प्रोसेस में जाना ही चाहिए, लेकिन बच भी गए हमारे कितने, 3000 यूनिट। तो इसका मतलब भैया अगले प्रोसेस में जाएगा 37000 यूनिट, और 37000 टोटल यूनिट है, तो इसमें ओपनिंग वाला होगा भैया 4000, तो न्यू जो कंप्लीट किया है न्यू वो कितने होंगे, 33000 न्यू वाले होंगे। तो भैया न्यू वाले के अंदर अगर मैं लिखूं ना यहां कंप्लीट, तो 33000, और ये पूरा रहता है हमेशा 100, क्योंकि कंप्लीट का तो मतलब ही यही हुआ। अब इसको टोटल करिए, इधर वाला टोटल, इधर वाला टोटल कितना होना चाहिए, 44000 यूनिट बता दीजिए, 3 है वो तो, सैतीस हजार आठ, कैसे ये गलत बताया, 37540, ये भी तो वही आएगा क्योंकि यूनिट एक ही है भाई साहब, है ना। किसी को इतना सा भी डाउट है अगर इस स्टेटमेंट में तो पूछ लो आप, मैं अभी कॉस्ट की बात नहीं कर रहा, किसी को थोड़ा सा भी डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि काफी बच्चे कह रहे थे सर ये डाउट आ रहा है, ये डाउट आ रहा है, किसी को थोड़ा सा भी डाउट है तो बिल्कुल पूछिए।
प्रिया क्लियर है सर, हर्ष क्लियर है सर, आदित्य क्लियर है, और जो नए बच्चे होंगे ना उनको तो देखो नहीं समझ में आएगा, उसको तो मैं बोलूंगा उनको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पहले और काम कर लेना चाहिए। अब इसके अंदर एक गलती हो गई, कौन बच्चा गलती पकड़ेगा, फटाफट पकड़ के दिखाओ गलती। एक चीज गलत करा है बस, पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक करी है, बताओ क्या गलत हो गया पढ़ने में। देखो ये काम आपको दे रहा हूं मैं ढूंढने की, ढूंढने नहीं, वो तो भाई रुपीस का तो इसमें बात ही नहीं है, यहाँ तो यूनिट का बात चल रहा है। एक छोटी सी गलती है बिल्कुल। एक सोनल ने बोला है सर नॉर्मल लॉस जो है ना वो इनपुट का 5%, वो भी करंट इनपुट की बात कर रहा है। अब करंट इनपुट क्या होता है और अभी क्या इंट्रोड्यूस किया, दो डाले 40। तो अब जो हमने यहां पे करा था ये गड़बड़ हो गया ना, थोड़ा सा हमने क्या करा गलत निकाल लिया। इससे अब ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका गलत। अब इसके बाद अगला भी क्या बनेगा और उससे अगला भी और प्रोसेस भी, तो नंबर गए, समझे। इसलिए इसका नॉर्मल लॉस वाले का पॉइंट ध्यान से पढ़ना एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये गलत हो गया तो अच्छी बात है कि आपको एक रियलाइज हो गया, एक सीख मिल गया कि अच्छा ये चीज हमें ध्यान देना है, ठीक है। चलिए ये सब हटा देते हैं। सब हटा देते हैं, दोबारा करते हैं। दोबारा कैसे करेंगे, तो ये पूरा ही गलत हो गया सर। चलिए सर हमारा स्क्रैप निकालते हैं। स्क्रैप कितने दे रखे हैं सर आपको, 4000। 4000 में से करंट इनपुट का 5%, यानी तो भाई साहब 2000। ये 2000 कैसे आया, 40000 का 5%, ठीक है, 2000 एबनॉर्मल लॉस। अब बात हम करते हैं अगर इधर, यहां तो वो सही था, मैंने गलती मिटा दिया। टोटल कितना था भैया हमारा, स्टार्टिंग में 4000 यूनिट था ओपनिंग, और फिर और लगा दिए मैंने 40, टोटल 44 बन गए, लेकिन इसमें से तो 4000 यूनिट खराब ही हो गए, तो बचे 40, 3000 बच गए, तो बचे 37। 37 का आपका देखा जाए तो 4000 पुराना है, 37000, तो ये वाला तो ठीक है, इसमें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बस नॉर्मल एबनॉर्मल में फर्क पड़ गया, तो ये तो आ जाएगा हमारा 2000, और दैट इज हाँ 3000 है, और ये आ जाएगा हमारा अगेन 2000, क्योंकि ये 100% था, और ये आ जाएगा 1600, ठीक है ना। अब भी ठीक है, गलत है, टोटल करिए हाँ, और ये और ये भी यही। कोई दिक्कत, अगले पे चलें, यहां तक सबको समझ में आ गया। अब इस वाले सवाल में और पिछले सवाल में एक छोटा सा कैच पॉइंट है कि यहां पे अब यूनिट जब मैं निकालूंगा, मैं यही निकाल दूं पर यूनिट, क्या इसके नीचे निकल सकता है, पर यूनिट कॉस्ट निकालना है, यही निकालते हैं। कोई बच्चा डाउट पूछ रहा है,
पिंकी का डाउट। यस पिंकी बताइए क्या डाउट। निकालियो। लहसुन कहाँ है? अच्छा अरे बच्चे हैंड रेज करते थे। यस जीबा लगता है गलती से हो गया। चैट में डाल दो भाई। अब इसमें छोटा सा पॉइंट एक कैच है, अभी देखते हैं करते हैं। और मैं मान के चल रहा हूं इस टाइप का क्वेश्चन आपका 15 नंबर का आना तय है। चलिए पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे ना। सबसे पहले ये टोटल आ जाएगा, टोटल के बाद ये क्या आ जाएगा हमारा, ये पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगा, ये यूनिट आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा कॉस्ट आ जाएगा, और इधर क्या लास्ट लिखते हैं पर्टिकुलर कॉस्ट एलिमेंट आएगा ना। अच्छा, चलिए फिर भी हमें एक जरूरत पड़ेगी एक्स्ट्रा, जब पड़ेगी तब ले लेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे मटेरियल की, तो भाई साहब मटेरियल का टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, जो भी कॉस्ट था नॉर्मल लॉस हुआ उसमें से जितने का बिका होगा माइनस कर लिया, लास्ट वाला रजिस्टर निकाल के रखना कराए तो ठीक है ना, यही करा था। तो भैया टोटल कॉस्ट अगर देखा जाए ना तो हमारा मटेरियल की कीमत कितना है 79, लेकिन सर यहां भी तो कुछ है और ये पीछे से आया है। तो अब हमारे पास ऐसे सिचुएशन में, आपको पिछले वाले सवाल में देखना ऐसा नहीं था, मैं दिखाता हूं। पिछले वाले सवाल में इसने बोला था इंट्रोड्यूस ये करा, उसका कीमत ये और ये और ये, यानी अलग से बता रहा था। इस वाले सवाल में क्या कह रहा है देखो, जिसने पिछली क्लास ली होगी वो मेरी बातों को समझ रहा होगा, जिसने नहीं ली होगी तो कोई फायदा नहीं है भैया उसका। जो 4000 करा उसका तो दे ही रहा है, साथ के साथ मटेरियल फिर आ गया, जबकि पिछले वाले में ऐसा, यानी यहां दो दो मटेरियल, अब यहां पे दो रेट निकलेंगे दोनों मटेरियल के अलग अलग। ये तो हमारा पुराना है, ये तो हमारा कौन सा है पुराना, तो पुराने का मैं यहां लिख दूं ओल्ड। ओल्ड वाले का खर्चा था सर 171 कॉस्ट, और यूनिट जो हमारे थे मटेरियल मटेरियल का 38,000। ये अजम्पशन है कि सिर्फ मटेरियल रहा होगा, और इनफैक्ट मटेरियल होगा भी, तो ये पर यूनिट कॉस्ट क्या आएगा डिवाइड कर लीजिए, और एक मटेरियल होगा न्यू, डिवाइड करिए इसको, ये पुराने वाले का आ गया ठीक है। अब न्यू वाले की बात करते हैं, सर नया मटेरियल कितना लगाया आपने 79। अब जो नॉर्मल लॉस स्क्रैप वगैरह बेचते हो माइनस करते हैं वो पुराने में से नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो बना बनाया है, तो आपको किस में से करना है जो नया आपने डाला है। तो नए वाले में कितने का लॉस बिक जाएगा, तो कहता है भैया 1.5 रुपए के हिसाब से बेच दिया हमने, तो 1.5 रुपए के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम 2000 यूनिट क्या है नॉर्मल लॉस, और इसको 1.5 रुपए के हिसाब से बेचे तो कितने का बिकेगा, दैट इज 3000। तो 3000 का लॉस को यहां माइनस कर लेंगे नॉर्मल लॉस रियलाइज, तो बचा हमारा 76,000, और यूनिट ही चल रहा है मटेरियल 38, कितने बने 2 रुपए। अब क्या आ जाएगा सर, लेबर वगैरह में तो झंझट ही नहीं है, एक ही है लेबर, तो 138,230, और इसका है 37,700, उसके बाद ओवरहेड, सर ओवरहेड है हमारा 3.6, ओवरहेड क्या है 69,120, ये भी 37,700, एट या पहले यहां तक देख लीजिए रेट में। अरे यार बच्चे ये जब पूछते हैं चैप्टर कब खत्म होगा, इसका मतलब पढ़ने का मन नहीं है उसका, हर दिन नई चीजें ही तो सीख रहे हैं हम, अगर मैं एंटरटेनमेंट कर रहा हूं तो बात अलग है, आप सीख ही तो रहे हो। अभी देखो पिछला सवाल आ नहीं रहा,
हमें टेंशन है चैप्टर, भागना नहीं है हमें, अगर भागोगे तो कोई फायदा नहीं, नौकरी आपके नंबर पे नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान रखना, नौकरी आपको लर्निंग के बाद ही मिलेगा, आपको काम आता है तो नौकरी मिलेगा, चाहे आपके 10 CGPA आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए। इस नंबर की वैल्यू सिर्फ एक जगह से दूसरे जगह, कॉलेज या स्कूल में आता है, रियल लाइफ में ये नंबर किसी काम का नहीं है। चलिए यहां तक में बताइए, कोई समस्या? मटेरियल एक बार रिपीट कर रहे हैं, नॉर्मल कैसे आया 3,000, कैसे आया 38,000? अभिषेक का कहना है 38,000 दिया मटेरियल। देखिए अब यहाँ पे ना हमारे पास दो टाइप के मटेरियल हो गए, समझिए। एक तो हमने क्या करा, हमारे पास एक पुराना प्रोसेस चला आ रहा था, जैसे पी था, यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में कि एक हमारा पुराना प्रोसेस से आया है। अभी जो पिछला सवाल हमने किया था ना, उसमें क्या था, अभी प्रोसेस स्टार्ट ही हुआ था और उसी का प्रोसेस बना के खत्म किया। अब ऐसा नहीं है, पीछे से प्रोसेस चला आ रहा है। तो एक प्रोसेस से 4,000 यूनिट आया मेरे पास, तो जो 40,000 यूनिट, तो उसको बनाने में पीछे खर्चा लग चुका है कितने का, ये तो पीछे जो खर्चा लगा है, हम अजम्पशन लेके चलते हैं सर, जो पीछे खर्चा लगा है ना वो सब कुछ है। सब कुछ का मतलब क्या सर, सब कुछ का मतलब मटेरियल लेबर सब है, लेकिन हम इसको एज अ मटेरियल कंसिडर करते हैं। यानी एक तो हमारा मटेरियल का खर्चा ये हो गया, और एक मटेरियल अब और लगाया हमने अभी नए वाले प्रोसेस में, पुराने वाला तो लग के आ चुका है, एक नया और लगाया। तो दो टाइप के मटेरियल हो गए, पहले ये तो क्लियर कर लो। हाँ 40,000 यूनिट यहां पे हमने यूनिट में लिखा है, लेकिन अब अमाउंट की बारी आई, इसका कोई अमाउंट यूनिट थोड़ी ना है। तो अब अमाउंट के टर्म्स में दो तरीके का हो गया, नंबर 1 जिसमें पूरा टोटल दे रखा था, नंबर 2 बाइफिकेशन है। तो मैंने एक मटेरियल ओल्ड वाला ले लिया जो कि हमारा किस प्रोसेस से आया था, पी से आया था, तो सर उसकी कीमत ये और ये, इसका रेट ये आ गया। दूसरे वाला के नॉर्मल लॉस माइनस करना। एक बच्चा कहता है सर नॉर्मल लॉस कैसे आया, आपका नॉर्मल लॉस कितने यूनिट है? भाई साहब 2,000 यूनिट है ना, और आपको स्पॉयलेज कितने यूनिट पर का करना है, सवाल में दे रखा है कि आपको जो बेचना है ना इस अपना जो है वो 1.5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, ये देखिए सवाल में दे रखा है 1.5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। तो मैंने इसी को मल्टीप्लाई कर दिया 1.5 से। तो जब मैंने 1.5 से मल्टीप्लाई किया ना इस नॉर्मल लॉस को, तो मेरा जवाब आ गया 3,000। तो लास्ट वाले पेज खोल के देखिए, तो 3,000 माइनस किया तो ये 76 आया, और इसका रेट आ गया हमारा। अब बताइए सर मटेरियल में 171 ऐड, मैं अभी मटेरियल टोटल कॉस्ट थोड़ी निकाल रहा हूं, मैं कॉस्ट निकालूंगा तब ऐड करूंगा, अभी पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहा हूं मैं। माइनस हर बार नहीं, फीफो सिस्टम में, जब हम दूसरे वाले सिस्टम पे आएंगे तो उसका अलग होगा, अभी वेटेड तो हमने किया ही नहीं, अभी तो फीफो चल रहा है हमारा। क्लियर है? क्लियर, आगे बढ़ जाया जाए। अब क्या बनाना है, टोटल प्रोडक्शन, जो टोटल कॉस्ट आया है अब हमें निकाल के दिखाना है टोटल अपोर्समेंट कॉस्ट कितने का पड़ा, उसके अंदर आपका अलग अलग आएगा। सर बेकार 3.6 यूनिट कैसे आया बता दो। सर एक बार 3.6 कैसे आया, अब जैसे ये आया इसको डिवाइड कर करके आ रहा है ना, आप डिवाइड कर लीजिए, हो सकता है ऊपर नीचे पॉइंट में आ जाए, मैंने राउंड फिगर करके ले लिया हूं, है ना। ओल्ड 1,000 40,000 है भाई साहब, जब हम ये वाला यूनिट निकालते हैं तो यूनिट यहां कितना है उससे लेना देना नहीं है, ये यूनिट कामगार होगा अब आगे चल के, ये भी याद रखना है हमें। जो यहां यूनिट दे रखा है, पिछले रजिस्टर को ओपन करके देखो, पहले भी तो 10,000 यूनिट था, तो क्या मैंने मटेरियल को 10,000 से डिवाइड किया था या 9,800, 9,800 नहीं 8,500 डिवाइड किया था,
8500 से पहला भी देखो आप। चलिए अगले स्टेटमेंट पे चले। कौन सा स्टेटमेंट बनेगा? टोटल कॉस्ट। उसके लिए मुझे अगले पेज पे जाना पड़ेगा। टोटल कॉस्ट, इसमें क्या क्या बनाया था हमने? सीक्वेंस बनाया था सर। पहला बनाया था पहले पर्टिकुलर, फिर रखा था एलिमेंट, फिर रखा था हमने यूनिट, यूनिट के बाद क्या रखा था? कॉस्ट पर यूनिट, और फिर टोटल कॉस्ट। ये याद है? अब मटेरियल जो होगा सबका निकालेंगे ना। किस किस का निकाला था? एक ओपनिंग का निकलेगा सर, कंप्लीट का निकलेगा सर, क्लोजिंग का निकलेगा सर, और एबनॉर्मल लॉस का निकलेगा। ये क्या था? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक का निकाल लेते हैं। अब ओपनिंग स्टॉक की हम बात करें तो हमें पीछे चेक करना पड़ेगा मटेरियल कॉलम में, क्या ओपनिंग स्टॉक है सर? नहीं है सर ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक तो भैया जीरो हो गया। एलिमेंट, ओपनिंग स्टॉक यानी मटेरियल एंड लेबर एंड ओवरहेड, तीन एलिमेंट लगे थे इसमें। मटेरियल यूनिट के टर्म्स में अगर देखा जाए तो जीरो, लेबर यूनिट के टर्म्स में देखा जाए तो, और ओवरहेड भी देखा जाए तो, और लेबर का रेट जो है, अब मैं ये कह सकता हूं कि ये फ्रैक्शन में है तो ऊपर नीचे हो सकता है। टोटल करना इसका 3.6 और 1.8 कितना आ रहा है? 5.4। हाँ, तो पॉइंट का थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 3 पर यूनिट, ये था 3.6 और 1. बताइए 5700। अगला हाँ 2880। चलिए मैं लाइन भी डाल देता हूँ, ये लीजिए, ये ओपनिंग स्टॉक की कहानी। अब ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या निकाल ले? कंप्लीट। अब कंप्लीट में देखा जाए तो कितने हैं सर? कंप्लीट के अंदर है हमारे टोटल 38,000, ठीक है ना। कंप्लीट में कितने हमारे? 38,000 यूनिट नहीं, 33,000 है कंप्लीट में। 33,000 मैंने टोटल ही देख लिया, कितने हैं हमारे? 33,000। और जिसमें से ओपनिंग कितना था हमारा? ओपनिंग था देखो कंप्लीट में 33, ओपनिंग 40। अब ओपनिंग के अंदर ओपनिंग के हिसाब से ले लोगे, क्योंकि कंप्लीट में दो कंपोनेंट्स लग गए ना आपके। पहले पहले ये वाला देख लो, पुराने वाला पहले ये वाला देखो, एक एक करके चलेंगे, जल्दबाजी कोई नहीं करना। पहले इसमें किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लो पहले ये वाला, मैं कंप्लीट बाद में कर लूंगा, थोड़ा बहुत आपको आ भी जाएगा ना। कंप्लीट से पहले मैं ये वाला कर लेता हूं, क्लोजिंग वाला वो करके दिखाओ। क्लोजिंग सर, क्लोजिंग वाला करते हैं। क्लोजिंग में मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। सर मटेरियल कितना लगा था क्लोजिंग में? 100% था, जो कि 3000 था, है ना 3000। और ये कितना लगा था? ये 50 था, 1500 और 1500। इसका रेट क्या आया था? मटेरियल नए वाला मटेरियल है, क्लोजिंग में कौन सा मटेरियल लगा होगा? नए वाला। तो नए वाले का रेट क्या था हमारा? ₹2। नए वाले का था ₹2, दो, और इसका था 3.6 और 1.8, ये 6000, 5400, 2700। इसको भी टोटल कर दीजिए आप, इसको भी टोटल कर दीजिए,
कितने आ गए? ऊपर वाले का 8640, इसका 14,100, 14,100, 2 में देखिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अब पहले फिर मैं अबनॉर्मल निकाल लूंगा, फिर कंप्लीट पे आऊंगा। सर ओपनिंग वाला दोबारा समझा दीजिए, ये देखिए पहले। चले आगे। कह रही है सर फीफो यूज हुआ है, फीफो। चलिए अब एक बार ना जो मटेरियल वाला है ना, अरे हमारा यूज क्या हुआ, अब यहां पे फीफो का थोड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा आपको। सबसे पहले कितने यूनिट थे, फिर 40,000। जब फीफो का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन, तो हमने पहले ये वाला बेच दिया होगा या कुछ भी जो भी हुआ होगा, ये चले गया होगा, बचेगा किसमें से, यानी क्लोजिंग स्टॉक किसमें से बचेगा, और जो क्लोजिंग स्टॉक यानी अगर इसमें से बचता है तो यहां पे इस वाले यूनिट का दो दो रेट है, एक ओल्ड वाला रेट है और एक न्यू वाला रेट है। ओल्ड वाला रेट कितना था और न्यू वाला 2। तो अब मुझे आप बताइएगा कि जो क्लोजिंग का स्टॉक बचा होगा वो इसी में से बचा होगा, ठीक है? तो वहां पे रेट में ना, किसी ने बताया मुझे, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये रेट में ना ये 2 नहीं होगा, 2 की जगह पे कैसे करें कैसे करें कैसे करें, 3,000 यूनिट था, मटेरियल कितने थे पहले आप ये समझाओ मुझे, ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे मत ध्यान दो, ये वाला बताओ ये कितने थे, क्लोजिंग 3,000 था, अब 3,000 किस में से बचा होगा, उस 40,000 में से, और 40,000 के लिए हमारे कितने रेट बने थे, 2 रेट बन गए थे ना, ये एक 4 और एक 2। तो अगर देखा जाए यहाँ पे तो ये वाला यूनिट आएगा हमारा 6 रुपए, 4 और 2 50 पैसे, इसका रेट निकालो। उन्नीस कितने आ गए टोटल, 27,600। सर यहां पे मटेरियल था ही नहीं, और अगर मटेरियल होता भी तो ओपनिंग में सिर्फ ओपनिंग का रेट जो लगता वो लग जाता, वो देख लेते हैं हम। तो पहले ये दोनों को आप बोलिए सर डन हो गया ये वाला। अगर कोई बच्चा बोलता है सर 6 रुपए 50 पैसे कैसे आया, तो उसके लिए मैं अलग से लिख देता हूं कि 4 रुपए 50 पैसे एक रेट था और 2 रुपए एक रेट आया था, तो टोटल ये आ गया। सर कैसे आया ये आपके सामने स्टेटमेंट भी है और ये है, आगे पीछे करना पड़ रहा है, बाकी आप देखिए एक बार। एबनॉर्मल का निकाले,
एबनॉर्मल का कौन बच्चा बताएगा, मैं देखता हूं सबका जवाब आएगा उसके हिसाब से लिखूंगा। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस भी इसी में से बचा होगा, तो मटेरियल, मटेरियल कितने यूनिट, 2000, लेबर 1600, ओवरहेड, तो सर मटेरियल कितने का, ये कितने का और ये 1 पॉइंट, तो कितने हो गए ये बताओ, 5 पॉइंट, और ये 2888, 21600, नहीं इसका बताओ क्या मतलब, बताइए। हाँ ले सकते हो चिटनियर, मुझे डाउट बताइए। देखिए पिछले क्वेश्चन में काफी बच्चे बोल रहे थे सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, अभी मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ एकदम, कोई मुझे जल्दबाजी नहीं। आप बताइए पहले सीखना है आपको यहाँ पे, यानी सर मटेरियल वाला कैसे करना है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाएगा। किसी को डाउट है आगे बढ़ जाऊं मैं, बताइए आपको क्लियर हो रहा है ये। अब किसका रह गया हमारा, कंप्लीट, तो कंप्लीट जो होगा उसके अंदर ओपनिंग वाला भी पार्ट होगा और दूसरा कौन से वाला पार्ट होगा हमारा, न्यू, तो ओपनिंग वाला तो हमने अलग से ले ही रखा है, अब हम सिर्फ कौन से वाला जो कि न्यू वाला पार्ट था उसको ले लेंगे, और न्यू वाले पार्ट में भी मटेरियल दोनों लगा होगा क्योंकि पुराना भी लगा होगा तभी तो कंप्लीट हुआ होगा वो। चलिए सर अब आएगा हमारा, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। सर मटेरियल कितना, ओवरहेड कितना, सब 33, और ये 6.5, 3.1.8, इसका 2, कितने 59, अब टोटल कर लेते हैं, ठीक है 392,000, 392,700, सब कुछ हो गया। अब क्या बनाना है प्रोसेस, आप पिछला वाला प्रोसेस देखिए, आप पिछला वाला प्रोसेस देखिए कैसे बना था, वहां पे ओपनिंग स्टॉक जुड़ गया था, मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको 5 मिनट इसको बनाने के लिए दूं खुद, फिर मैं बनाऊं, ठीक है। अभी अभी ये वाला, ये सिर्फ ये प्रोसेस क्यू अकाउंट, आपको मैं दे रहा हूं 5 मिनट का टाइम, ज्यादा नहीं 5 मिनट का, बना पाओगे, पिछला करा है बिल्कुल सेम ही लगना है सर। 3000 × 6.5 19500 होगा, 3000 × 6.5 किसने गड़बड़ करा, ये 19500 ही है, और टोटलिंग में तो 19 लिया ना, ठीक है। आपको दिया जाता है मात्र 5 मिनट,
बना के दिखा दीजिए फटाफट। नेक्स्ट प्रोसेस में कितना आएगा किसी का आए तो बताना, बुक का और मेरा अलग होगा, बुक के देख के बिल्कुल मत बताना क्योंकि हमने फ्रैक्शन में आंसर चेंज होगा। FIR मटेरियल अकाउंट में कितने लगेंगे, फिर मटेरियल अकाउंट में कितने लगेंगे प्रोसेस बनाने के लिए, FIR क्या होता है मटेरियल, ये फिर मटेरियल अकाउंट में कितने लगेंगे, पीछे क्वेश्चन देखना है। मेरे हिसाब से पीछे क्वेश्चन हाँ थोड़ा जरूरत पड़ेगा आपको अमाउंट देखने के लिए। खुशबू ने बताया 39,000, क्या बताया, यूनिट नहीं जानना चाहता मैं, जानना चाहता हूं रुपए। खुशबू मुझे रुपए बताइए कि नेक्स्ट प्रोसेस में कितना जाएगा, यूनिट नहीं चाहिए मुझे, मुझे यूनिट नहीं चाहिए फिनिश गुड्स में, मुझे ये चाहिए कि भैया अमाउंट, नेहा मुझे अमाउंट बताओ फिनिश गुड्स का कितना आएगा, मैं थोड़ा सजा लेता हूं इतने। टू ओपनिंग, टू प्रोसेस, पी टू मटेरियल, टू लेबर, टू ओवरहेड, बाय नॉर्मल लॉस, बाय एबनॉर्मल लॉस, बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय फिनिश गुड्स। ये लो मैंने थोड़ा काम और आसान कर दिया, बस अमाउंट भरना है आपको। नेहा का आया 450,710। चलिए ओपनिंग स्टॉक कितना आएगा धीरे धीरे करके लिखता हूं। सर ओपनिंग स्टॉक का जो था ना मटेरियल का 24,000, सॉरी 24,000 नहीं यहां निकाला था ना हमने, निकाला था इधर कितना आएगा 86, प्रोसेस से आया हमारे पास ये थे हमारे 4,000। कैसे आया
और ये था 40, और 40 का लगाने का दे रखा था, कितना दे रखा था 40 का? 1,71,000। मटेरियल कितने का था? 70। लेबर था हमारा 1,32, 38, और ये 67। सिक्स नाइन, ये लो आधा मैंने काम कर दिया। आप मेन काम तो नॉर्मल लॉस भी निकाल देते हैं, नॉर्मल लॉस 2,000 और आपने बताया था 120 है, 120। चलो एबनॉर्मल भी कहानी खत्म करते हैं, एबनॉर्मल ये रहा 26,21,640। चलो क्लोजिंग भी खत्म कर देते हैं, क्लोजिंग ये रहा कितने आगे, कौन सा 15 और 3,000 है, मैंने 15 लिख दिया, ये 3,000 है भाई साहब, 3,000 1,50 का बिका था ना। अरे ये 3,000 है, इसको सही से लिख देते हैं। मेन काम जो मुझे करवाना है आपसे, ओपनिंग स्टॉक में पुराना भी था ना, ये तो ये है, ओपनिंग में पुराना था क्या? ओहो 4,000 कहां से, 4,000 के समझ में कैसे नहीं आया, ये सब जोड़ो। ओपनिंग में ये भी तो लगा था जो पीछे से लग के आया था, इसको जोड़िए कितना है, 45,600। ओपनिंग में ये है, और ये वाला जो है ये तो करंट कहां गया यार, ये 4,000 क्या पूछ रहे हो, ये ओपनिंग है ना 4,000। अच्छा अब ये बता दो एफजी, एफजी का बताएं, चेक करिएगा एफजी कैसे आएगा सर। एफजी का हमारे दो चीजें हैं, ओपनिंग, और ओपनिंग में सिर्फ इतना ही लगा होगा ना, और क्लोजिंग में ये, तो ये 8,640 और 9,392,700। कुछ बच्चों का तो सही आंसर आ गया था, बताइए 4,13,40, 4,13,40, देख लीजिए एक बार, एक बच्चे ने तो बोला था 1,300,750 बता रहे हैं कुछ बच्चे तो। सही से टोटल किया है आज, मेरा कैलकुलेटर किधर पीछे हो गया, ठीक है अब टोटल कर लेते हैं 44, दोनों साइड बराबर आना चाहिए, चेक करिए फ्रैक्शन की वजह से शायद फर्क आ जाए, वैसे आएगा नहीं। पचास 29,50 फर्क आ जाएगा थोड़ा सा, ये 5,00,000 कैसे आ गया, 45 इसका टोटल करिए भाई,
मैंने फिर करा, फिर टोटल चेंज हो गया, ये सही है, टोटल देखना एक बार, 50 29 50, एक बार करके देखो, यही आ रहा है टोटल में। नहीं इस साइड का तो करेंगे पहले, इधर का देखो टोटल। सही आ रहा है ना? नहीं ये वाला टोटल सही करना है ना, जो हमारा फिनिश गुड्स आया है ना, जो फिनिश गुड्स आया है, जगह नहीं है ना, 37,000 है ये, तो ओपनिंग का प्लस ये वाला भी लगेगा और प्लस हमारा नए वाला कितना था, 392,700। अब जाएगा लास्ट वाला चेक करो आप, ये आ गया हमारा इस साइड का 499,180, फर्क कितने का आ गया सर, 3,700। तो जितना भी फर्क आ गया ना उसे कंपनसेट यहीं करो आप, यानी हम इसको ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि क्यों फर्क आया, क्योंकि हमने यहां पे 66666 नहीं लिया, यहां पे 888 नहीं लिया, अगर पूरी डिजिट लोगे तो वही आ जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ ये लिखने के, ऐसे सवाल जब आपके सामने आए तो आप बैलेंसिंग फिगर कर लीजिए इसका, और बैलेंसिंग फिगर ऐसे नहीं आंख बंद करके, आपको पता है कि भैया इतने का फर्क तो चल ही सकता है, 2,000 2,500 का आ जाएगा, क्योंकि अमाउंट लाखों में है। माइनस चार पचास देखिए